हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल डेवल हैशटैग। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जी हाँ, कुंज का डाइट। जी हाँ, मैं कुंज को क्या खिलाती हूँ। तो ये जो आप देख रहे हो, ये मैं खिचड़ी बना रही हूँ। इसमें मैंने सारे ग्रीन वेजिटेबल डाल दिए हैं और अभी मैं कुकर को बंद करके फ्लेम ऑन कर लूँगी और इसमें दो या तीन चार सीटी लगाऊंगी। उसके बाद मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कुकर खोल ली हूँ और इसमें मैंने गोभी, बंधा गोभी, टमाटर, बीन्स और मिक्स दाल जिसमें मसूर, मूंग और ये राहर, ये चारों तीन चार दाल हैं वो मैं मिला ली हूँ। और उसके बाद मैं चावल डाल के खिचड़ी बना ली हूँ। और यहाँ मैं रही से उसे मैश कर रही हूँ ताकि जब मेरा बेबी खाए तो उसे कहीं फंसे नहीं। तो फंसता है तो बच्चे जो हैं वो इरिटेट हो जाते हैं, तो वो इरिटेट ना हो, अच्छे से खा सके। यहाँ पे देखो मेरा जो खिचड़ी है पूरी तरह से थिक हो गया है, देख सकते हो, मैं दिखा रही हूँ आपको। ये है रही मेरे यहाँ बोलते हैं, तो इसे मैं ये, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये दूध रोटी है जो कि मैं उसे सुबह में दूध रोटी देती हूँ, दोपहर में खिचड़ी देती हूँ और शाम में हल्का सा मैं सेरेलैक्स देती हूँ। तो ये गर्म दूध है, रोटी है गर्म, बना के तोड़ के मैं इसके मैं देती हूँ, मिक्सी में मैं ग्राइंड नहीं करती हूँ। और ये देखो मैं कैसे कुंज का फीडर साफ़ करती हूँ। तो देख सकते हो मैं इसे पानी में, गर्म पानी में बॉईल कर रही हूँ। 24 घंटा में एक से दो बार ज़रूर कर लेना चाहिए हर किसी को। अगर आप भी अपने बेबी को फीडर से दूध पिलाते हैं तो आप भी अपने बेबी का फीडर अच्छी तरह से धोए और हाइजीन का बिल्कुल ख्याल रखें। एकदम कोई भी चीज़ अगर बेबी को देते हो तो साफ़ होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं जो फीडर है उसे बॉयल कर रही हूँ और बॉयल करने के बाद मैं इसे वॉश कर लूँगी आराम से। उसके बाद अपने बेबी को मैं दूध इस फीडर से पिलाऊँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो फीडर है पूरी तरह से क्लीन हो गया है, देख सकते हो एकदम लाइट भी कर रहा है। और जी हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और हमारे वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।